क्लास 5 लेक्चर नंबर 10 टॉपिक सॉइल। आज हमने चैप्टर नंबर जो है आपके पास 10 सॉइल, उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। एक्सरसाइज में सबसे पहले आपके पास है ट्रू फॉल्स। राइट टी फॉर दी स्टेटमेंट्स विच आर ट्रू। ट्रू लिखें या टी लिखें उन स्टेटमेंट के सामने जो कि ट्रू हैं। एंड एफ़ फॉर द वंस विच आर फॉल्स, और जो फॉल्स हैं उनके आगे आपने एफ़ या फॉल्स लिख देना है। तो पॉइंट ए है स्टेटमेंट का हमारे पास, द टोपोसिल कंटेन्स सॉलिड रॉक्स। टोपोसिल जो है उसके अंदर सॉलिड रॉक्स प्रेजेंट होते हैं, फॉल्स। टोपोसिल जो है वो लेयर होती है अपर मोस्ट सॉइल की, ठीक है। द सेकंड लेयर ऑफ द सॉइल इज नोन एज द बेड रॉक। सेकंड लेयर जो सॉइल की है वो बेड रॉक कहलाती है। तो ये क्या है आपका, रॉन्ग आंसर है। सेकंड लेयर को सब सॉइल कहते हैं। थर्ड वन इज नोन एज बेड रॉक, फॉल्स। नेक्स्ट है द टेक्सचर ऑफ सिल्ट इज स्मूथी एंड सिल्की। जो सिल्ट है वो आपके पास सॉइल की एक टाइप है, तो वो स्मूथी और सिल्की होती है, ट्रू। जो आपके पास सिल्ट है सॉइल की एक ऐसी टाइप है जो स्मूथ और सिल्की टेक्सचर देती है आपको। लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिस्ट्रॉय द सॉइल्स क्वालिटी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स सॉइल की क्वालिटी को डिस्ट्रॉय करते हैं, फॉल्स। सिल्ट इज दी बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट। जो आपके पास सिल्ट है वो बेस्ट ग्रोइंग है फॉर प्लांट्स, ट्रू। बिकॉज जो सिल्ट है वो आपके पास बेस्ट ग्रोइंग इसलिए है कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, हार्ड पार्टिकल्स, रॉक पार्टिकल्स, वो कम होते हैं। जरखेज़ ये जो है ज़मीन, मट्टी हम इसको कह सकते हैं। ओनली इंसेक्ट्स मेक देयर होम इन द सॉइल। सिर्फ इंसेक्ट्स जो हैं वो अपना घर सॉइल में बनाते हैं, फॉल्स। कुछ मैमल्स भी बनाते हैं, जैसे रैबिट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएँ फिलप्स पे, फिल इन द ब्लैंक्स। पॉइंट ए है द लेयर ऑफ द सॉइल विच कंटेन्स मोस्ट ह्यूमस इज नोन एज डैश। सॉइल की वो लेयर जो बहुत ज़्यादा ह्यूमस, ह्यूमस कहते हैं वेस्टेज को, वेस्ट मटेरियल को जो कि किसी एरिया के ऊपर स्प्रेड हुआ होता है, जिसे हम आम जबान में रूढ़ी कहते हैं, वो क्या होती है, ह्यूमस। अच्छा, अब वो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि लेयर ऑफ द सॉइल, सॉइल की जो लेयर है जो कंटेन करती है मोर ह्यूमस कौन सी है, क्या हम उसको कहते हैं, टोपोसिल, अपर मोस्ट लेयर, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट टू, द सॉइल विच इज़ कम्पोज ऑफ मीडियम साइज पार्टिकल। जो आपके पास सॉइल की कौन सी काइंड है जो कि मीडियम साइज पार्टिकल से मिलके बनी होती है और फील्स स्मूथ इज कॉल्ड, और उसका जो टेक्सचर है वो स्मूथ होता है, दैट इज सिल्ट। नेक्स्ट है पॉइंट थ्री, द लेयर ऑफ द सॉइल विच इज़ बिलो द टोपोसिल। टोपोसिल से नीचे वाली जो लेयर है सॉइल की क्या कहलाती है, सब सॉइल, सेकेंड लेयर जो है सॉइल की। नेक्स्ट पॉइंट फोर, द सॉइल विच कंटेन्स द लार्जेस्ट पार्टिकल। सॉइल जो कि लार्जेस्ट पार्टिकल कंटेन करती है एंड फील्स रफ व्हेन रब्ड। जब आप उसको हाथ में लेंगे, रब करेंगे, तो वो आपको फील क्या देगी, कैसा फील देगी, टेक्सचर उसका क्या होगा, रफ होगा, लाइक सैंड इज कॉल्ड सैंड। ऐसी सॉइल जो कि लार्ज पार्टिकल्स कंटेन करती है और रफ़ टेक्सचर देती है, सैंड कहलाती है, रेत। रेत को कभी आप हाथ में पकड़ के देखें, वो आपको क्या लगेगी, रफ़ सी फील होगी। नेक्स्ट है द सॉइल विच कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स। सॉइल जो है वो डिफरेंट शेप्स में मोल्ड की जा सकती है। कौन सी टाइप है वो सॉइल की जिसको हम डिफरेंट शेप्स में मोल्ड कर सकते हैं। कैन मेंटेन दोज शेप्स आफ्टर ड्राइंग, और सूखने के बाद, ड्राइंग होने के बाद भी वो शेप्स जो हैं मेंटेन रहती हैं, तो वो टाइप है क्ले। क्ले जो है मिट्टी की, सॉइल की ऐसी टाइप है जिसको हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डिफरेंट शेप्स में मोल्ड कर सकते हैं, और जब वो ड्राई हो जाएंगी तो अपनी शेप्स को मेंटेन रखेंगी। नेक्स्ट है पॉइंट सिक्स, सॉइल सपोर्ट्स प्लांट्स बाय होल्डिंग देयर डैश फ्रेमली। सॉइल जो है वो सपोर्ट करती है प्लांट को, किस तरह से, उसके रूट्स को जो है मजबूती के साथ जकड़ के। नेक्स्ट है पॉइंट सी पे, क्वेश्चन सी पे, सर्कल द करेक्ट आंसर। जो करेक्ट आंसर है उसको आपने सर्कल कर देना है। विच टाइप ऑफ सॉइल फील्स स्टिकी वैन वेट। कौन सी सॉइल की टाइप है जो स्टिकी फील करती है जब वो गीली होती है, डैट इज़ क्ले, ठीक है। क्ले जो है जब वो स्टिकी हमें टेक्सचर देगी, मतलब कि जब वो गीली होगी तो हमें वो स्टिकी फील करवाएगी। नेक्स्ट है द टेक्सचर ऑफ सॉइल डिपेंड्स ऑन। जो टेक्सचर है सॉइल का वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, साइज ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। द साइज ऑफ इट्स पार्टिकल्स, सॉइल के पार्टिकल्स के साइज पर डिपेंड करता है। Which one of the following soil has the largest grain and feels rough? कौन
आपके पास कौन सी ऐसी सॉइल है जो कि आपको लार्जेस्ट ग्रेन देती है और फील करवाती है रफ, तो डैट इज सैंड। सैंड को कभी हैंड में लेके देखे, उसके ग्रेन्स जो हैं, ग्रेन्स कहते हैं दाने की शक्ल के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, आपको वो लार्जेस्ट लगेंगे, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल जो मिट्टी होती है जहाँ पौधे वगैरह लगते हैं। तो और क्या वो आपको रफ़ टेक्सचर, रफ फील जो है देगी। नेक्स्ट है पॉइंट फोर, देर इज़ नो सॉइल ऑन द मून एंड मार्स बिकॉज, मून और मार्स के ऊपर जो है सॉइल नहीं होती, बिकॉज देर इज़ नो लाइफ देयर, वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। पॉइंट फाइव, फ्रॉम विच ऑफ दीज सॉइल्स कैन वाटर ड्रेन ऑफ ईजीली, सॉइल की कौन सी टाइप में से वाटर जो है वो ईजीली ड्रेन करता है, डैट इज सिल्ट। नेक्स्ट है सिक्स पे, दिस सॉइल स्टिक्स टुगेदर वैन वेट, कौन सी सॉइल है जो कि कट्ठी जुड़ी हुई होती है जब वो गीली होती है, बट डज़ नॉट होल्ड इट्स शेप, लेकिन अपनी शेप को मेंटेन नहीं कर सकती जब वो ड्राई हो जाती है, डैट इज़ सिल्ट। ओके, होप सो कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा।